तात्पर्य कि इस सृष्टि का कोई पारावार नहीं, इसका कोई अंत नहीं, और यूं अंत है कि पूर्णा मात्र है, संकल्प मात्र है। जैसे आज की रात का मेरा कमरा भी बन गया, उसमें तो फर्नीचर अलग ढंग का था सपने के कमरे में, और बिल्ली आकर घुस गई, मोर बिल्ली के पीछे पड़ा और बिल्ली डर के मारे घुस गई, तो संकल्प में तो सब था और आँख खुली कि ये कैसे होता है, तो देखा कुछ है ही नहीं। ऐसे वास्तविक देखो तो ये कुछ है ही नहीं, न मोटेरा है, न अहमदाबाद है, न गुजरात है, न भारत है, न अमेरिका है, न कुछ भी नहीं। तात्विक दृष्टि से देखो तो सब आकाश, और आकाश चिद घन ब्रह्म स्वरूप वासुदेव ही वासुदेव है। वास्तविक दृष्टि तो वर्णन करेंगे तो सामान्य आदमी विपरीत समझेगा, इसीलिए नानक जी ने कहा मत करो वर्णन हर बेअंत है। अनंत के लिए कुछ बयान करना, बयान करते करते उसी में आ जाओ, बयान सुनते सुनते उसी में आ जाओ, शांत बस। ओम 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 परमात्मने नमः। चिदघनाय नमः, चिदघनो चैतन्य। ये भी जब पूर्णा है तब बोलना पड़ता, पूर्णा शांत हो जाए तो बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इधर उधर का मनोराज कल्पना को काटने के लिए भगवान का नाम लेके शांत ओम हो। मैं शांत आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा, मुझे से फुरना। निश्चय आत्मक होता है तो बुद्धि बनती है, संकल्प विकल्प आत्मा होता है तो मन बनता है, चिंतन आत्मक होता है तो चित बनता है, अहम आत्मक होता है तो अहंकार बनता है। एक ही चैतन्य मन बुद्धि चित अहंकार, और उसी में मन में कई संकल्प विकल्प, बुद्धि में कई निर्णय, हम में के ये मेरा है, मैं मेरी फलानी जाती ही है, कैसा खेल है। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, या देखूं बातों को तो ओम 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 परमात्मा ने नमः। परमेश्वराय नमः, सर्वेश्वराय नमः। फिर उसमें कुछ मिलाओ मत, परमात्मा ऐसा है वैसा है, नहीं हम नहीं जानते, जैसे भी हम उसी में डूब रहे, तो फिर कोई आकृति नहीं रहेगी, उसका वास्तविक स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। आग्रह नहीं करो कि भगवान दिखे, दिखेंगे तो आपकी कल्पना के भगवान दिखेंगे, आपकी भावना के दिखेंगे, जो प्रभु है जैसे भी है। प्रभु कैसे हमको नहीं चाहिए, ये सब मथापच्ची, हम जैसे तैसे प्रभु के बस शांत। प्रभु क्या करते हैं प्रभु जाने, हम क्या करते हैं उनकी सत्ता से अपनी वासनाओं में भरते हैं, अब हमारी वासना मिट जाए, मेरी हो सो जल जाए, तेरी हो सो रह जाए, मेरी हो इच्छा वासना सो जल, प्रभु तेरी हो सो रह जाए, बड़ा जल्दी काम बनता है। ध्यान तो करोगे लेकिन ध्यान लगेगा नहीं, और ध्यान लग भी गया तो टिकेगा नहीं, करता मौजूद रहा, बड़ा जोर मारते कुछ लोग, समझते कि संसार की चीज भी कुछ जोर मारने से कुछ प्राप्त होती है,
तो ईश्वर के लिए भी कुछ करें तभी तो मिलेगा। संसार के लिए कृति से मिलता है ईश्वर, कृति की निवृत्ति विश्रांति से मिलता है। ज्ञान ईश्वर तो ना ज्ञान, समाधि भी हो जाए तभी भी ईश्वर का स्वरूप प्रकट नहीं होता। कुछ नहीं है, शांति आनंद है। इस अवस्था में आ गए लेकिन शांति और आनंद को भी कौन जानता है। वाह, वेदांत शास्त्र के ज्ञान की जरूरत पड़ती, अनुभवी महापुरुष के वाक्यों की जरूरत पड़ती कि तत्त्वमसि वो तू है। शांति को और आनंद को जानता है जो विक्षेप और अशांति को जानता है, वही का वही चैतन्य। फिर क्या अनुभव और क्या होता है वो वाणी से, वो तो गुरु शिष्य जानते, गुरु जानते कि पूर्ण हो गया। तड़प होती पूर्ण और गुरु मिल जाए पूर्ण, तो अपूर्ण कैसे रहेगा। जो छोड़ जाने वाली वस्तु उसमें प्रीति, अवस्था में प्रीति, आदतों में रुचि गंदी, इसलिए परमात्मा दुर्लभ हो रहे। वास्तव में परमात्मा थे, हैं और रहेंगे, ये आदत की वस्तुएं नहीं रहेंगे, आदत के संबंध ही नहीं रहेंगे। जिन चीज वस्तुओं में प्रीति है वो भी नहीं रहेंगी, शरीर भी नहीं रहेगा, परमात्मा रहेगा, आप रहेंगे। और परमात्मा को नहीं जाना तो आप कई कई चोलों में भटकोगे, कई कई योनियों में जाना पड़ेगा। पुण्य का फल स्वर्ग भोगने के लिए भटको अथवा ऊंचे घरों में जन्म, पाप का फल नीच योनियों में भटको, नीच जगह में भटकना है जब तक ईश्वर में विश्रांति नहीं मिली। इसीलिए प्रार्थना करो, संकल्प करो, प्रभु बस एवो दी देखा, ऐसा दिन देखा मैं और मेरा भूल कर मैं तुझ में एक आकार हो जाऊं। बुलावी हूं मारू ने तारा मांडू बार, जुग जुना बंधन है ना, युगों से मेरी ज्ञान की आंख बंद, कुछ तो सुझा दे। प्रार्थना करो, अब तो कैसा है तो ही सुझा दे, मैं जैसा तैसा हूं तेरा, हे नाथ हे प्रभु हे दयालु, हे फल साधन देना हुई। आप बलपूर्वक ध्यान करें, बलपूर्वक शास्त्र पढ़ें, व्याख्या करें, विद्वान तो हो सकते लेकिन आत्मरामी होने के लिए ईश्वर की कर, गुरु के हृदय से भी वो ईश्वर की कृपा है। गुरु ईश्वर से अलग होकर कोई खास कृपा जड़ में सिलाएंगे क्या? चैतन्य में सी तो कर, चैतन्य तो परमात्मा है और जड़ का मूल भी वही चैतन्य। सपना देखा, उसमें बिल्ली भी दिखी, मोर भी दिखा, ये तो जीव थे लेकिन फर्नीचर तो जड़ था, मकान भी जड़ था। तो चैतन्य जीवों का और जड़ फर्नीचर का मूल तो वही मेरा आत्मा ब्रह्म ही था। वो सपने की चीजें नहीं रहे लेकिन मैं मूल ब्रह्म तो अभी भी हूं, बस उसमें स्थित। बोलने का नाम नहीं कि मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, बकवास है। रुचि कहां है? रुचि नश्वर चीजों में, और चाहते हम जीवन मुक्ति था, ये बकवास। छुप छुप के शेयर मार्केट का देखे सुने और रुचि है ईश्वर पाने की नहीं, रुचि उधर की। असार में रुचि है और सार चाहते, नहीं मिलेगा। रुचि को हटाकर सार में रुचि लाओ तो बिछड़ेगा नहीं, है तो बिछड़ेगा नहीं,
हालांकि अभी भी नहीं बिछड़ रहा है, आसार में भी रुचि करते तभी भी बिछड़ा तो नहीं है, लेकिन मिलता भी तो नहीं है। बिन रघुवीर पद जिय की जर्नी न जाए, परमात्मा विश्रांति के बिना, परमात्मा साक्षात्कार के बिना दुख नहीं मिटते। चाहे पैगंबर मिल जाओ, चाहे पीर मिल जाओ, चाहे श्री कृष्ण मिल जाओ, दुर्योधन को कृष्ण मिले थे कहाँ दुख मिटे, अर्जुन को मिले थे नहीं दुख मिटे, लेकिन अर्जुन ने जब उपदेश सुना और फिर आए वास्तविक ज्ञान में तो दुख टिकाई नहीं। उस परमेश्वर तत्व को जानने के बाद दुख टिकेगा नहीं।